अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी एक बहन की जानिब से एक सवाल किया गया है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, लोहे की चूड़ियाँ औरतें पहन सकती हैं या नहीं, औरतों के लिए लोहे की चूड़ियाँ पहनना जायज़ है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी माँ और बहनों और मस्तूरात के लिए इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। हमारी माँ और बहनों को ये मसला बहुत तवज्जो और ग़ौर से सुन कर के महफूज कर लेना चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए अंगूठी के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अंगूठी औरतें सोने और चांदी ही की पहने, सोने और चांदी के अलावा किसी धात की अंगूठी पहनने की औरतों के लिए इजाज़त नहीं है और मर्दों के लिए तो सिर्फ़ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। चांदी के अलावा किसी और धात की अंगूठी पहनना मर्दों के लिए बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है। बात जहाँ तक रह जाती है चूड़ियों की, तो इस सिलसिले में ये जहन में रखना चाहिए कि अंगूठी के अलावा औरतें किसी भी धात का जेवर इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हों, चाहे कान में पहनने वाली चीज़ें हों, चाहे नाक में पहनने वाली चीज़ें हों, चाहे गले में, चाहे पैर में, किसी भी जगह पर पहनने वाले जेवरात हों, वो सोना और चांदी के अलावा औरतें उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। सोने और चांदी के अलावा अंगूठी पहनने की इजाज़त नहीं है। सोना और चांदी के अलावा कांच, पीतल, तांबा, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, जिस धात की भी और जिस चीज़ के भी जेवरात औरतें इस्तेमाल करना चाहें उसमें गुंजाइश है, कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है। अलबत्ता अंगूठी के बारे में यही बात जहन में रखना चाहिए कि अंगूठी औरतें सिर्फ सोने और चांदी की पहन सकती हैं और मर्द हजरात एक मखसूस मकदार में, कि उसकी मकदार ये एक मिसकाल के अंदर अंदर उस अंगूठी का वज़न हो, सिर्फ चांदी के पहन सकते हैं और किसी धात की मर्दों के लिए अंगूठी पहनना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। दुआ करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।